तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, इसमें ना हम अपना ABX और ABL करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये मैं टीम यूज़ कर रहा हूँ ABL में, ठीक है। अभी तक मैंने खेला नहीं है, बट लेकिन अब खेलूँगा। लोकी, ठीक है, लोकी का बिल्ड मैं आपको दिखा दूँ। ये रहा लोकी का बिल्ड, मेरे गेयर्स देख लो, स्किल्स मैक्स, सब कुछ बढ़िया। इसमें रैंक 5 चल रहा है इस टाइम। ये देखो सेट बोनस हमारा, आर्टिफैक्ट वगैरह, और ये क्या नाम है, CTP रेज, और ये वाली यूनिफॉर्म है, ठीक है गाइस। अब क्या करेंगे, मैं लीडरशिप में यूज़ कर रहा हूँ इसको, हेला को। सपोर्ट में यूज़ कर रहा हूँ प्रोक्सीमा मिडनाइट को, ठीक है। और डीलर हमारा लोकी है ही। तो अब स्टार्ट करते हैं रोटेशन। रोटेशन में बता दूँ 3-5-4, ठीक है। डीले, फिर 2, फिर डीले, फिर 1, ठीक है, ऐसे। तो इसका रोटेशन पता है क्या होता है, टाइम के हिसाब से होता है सब। देखो 3-5-4 डीले, अब करेक्टर की देख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब 2 मेरी करेक्टर पर नज़र है, फिर 1, ऐसे 3-5-4 अगेन डीले, उसके बाद 3-3, फिर 2, ठीक है, डीले 1, फिर 3-5-4 अगेन, ठीक है, अब फिर 2, फिर 1, ऐसे। मतलब बीच में थोड़ा थोड़ा डीले देना पड़ता है इसकी रोटेशन में ही। 3-5-4 अगेन, T3 मैंने यूज़ कर दी इस बार उसके साथ, क्योंकि चार्ज हो गई थी। 3-5-4 रोर कैंसिल करने के लिए भी चार्ज करनी ज़रूरी है T3, इसलिए 2-1, ठीक है, 3-4 कर रहा हूँ इस टाइम, ठीक है, 2-1, 3-T3-5-4, ठीक है ना, स्कोर देख लो, ठीक है, फिर 2-1-3-5-4 डीले, T3-2 डीले, उसके बाद 1, ठीक है, फिर 3-5-4 अगेन, ऐसे। ये है, ठीक है ना। अब गाइज इंजॉय करो इस वीडियो को, पूरे वो गेम प्ले को, मेरे को इंजॉय करो। तो ये हम इसका रोटेशन दे रहे हैं तरीके से एकदम, ठीक है ना। कोशिश तो मेरी यही है कि भाई ये पूरा 9 से तो ऊपर ही जाए स्कोर, जो भी जाए मेरा, ठीक है। अब इसके लिए भी चार्ज हो जाएगी, वैसे भी ये हो गई, ठीक है, इसका ये कैंसिल कर दिया मैंने, 8 मिलियन चला गया। 3-5-4 अगेन, T3 चार्ज, T3-2 डीले, 1, फिर 3-5-4, बढ़िया एकदम। 8.5 मिलियन स्कोर अभी जस्ट। 3-5-4, ठीक है, 3-5-4, T3-5-4, चलो 9 मिलियन तो हमारा क्रॉस हो गया, यही तो चाहिए था। 3-5-4, T3-2, मतलब थोड़ा ना आपको ऐसे देना पड़ता है इसका रोटेशन, थोड़ा देख देख के, कि करेक्टर जैसे रुक जाता है ना स्किल के बाद, तो जब रुकने वाला होता है उससे पहले ही मैं इसके रोटेशन को दबाता रहता हूँ। तो आप भी गाइस ऐसे ही इसका रोटेशन देते रहना, ठीक है। ये हो गया स्कोर, ठीक है, 9.5 मिलियन हमारा स्कोर चला गया, ठीक है ना। टोटल स्कोर हो गया मेरा 77 कुछ हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हल्के साथ मैंने रेज हटा दिया, तो एक मिनट, किंग पिंग को अगर मैं यूज करूँ हल्क से बेटर स्कोर करेगा। एक वीडियो बना दूं क्या, नहीं इसका भी छोड़ो, ठीक है। ये हमें सपोर्ट में अच्छा देगा, मेल सुपर विलन और कॉम्बैट और ये स्नेयर, ठीक है ना, ठीक है। ये हो गई टीम, और बाकी देख लो, इसमें से और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। शिफ्ट नहीं है आज, इसलिए शिफ्ट की लीडरशिप नहीं कर सकते हम यूज़, इसलिए मैं अबोमिनेशन को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसका क्या है, ये हमें सपोर्ट में देगा हमें 45% डील डैमेज, सुपर विलन और सुपर हीरो फैक्शन दोनों, ठीक है ना।
और चेन हिट डैमेज 20% व्हेन अटैकिंग। ठीक है गाइस स्टार्ट। तो अभी क्या करूँगा, इस वीडियो को कंप्लीट अपलोड करने के बाद किंग पिन वर्सेस हल्क का भी करूँगा एबीएल में थोड़ा, ठीक है ना। देखते हैं दोनों के पास, एक के पास रेज है एक के पास रीजन है, यानी हल्क के पास रीजन है उसके पास रेज है। तो स्कोर मुझे नहीं लगता किंग पिन कर पाएगा इसका क्रॉस, बट लेकिन एक बार ट्राई करके देखेंगे एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाएगा ना। अब मैं ना नए नए करेक्टर जितने मेरे पास होंगे ना, मतलब होया करेंगे जिसके मेरे को लगेगा, जिसके पास मैंने सिटी भी दे रखी है, तो अब मैं ये क्या करूँगा, मैं उन करेक्टर को यूज़ किया करूँगा और मतलब दिखाया करूँगा कि ये जो करेक्टर है ना ये भी ऐसे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, मतलब करना कि आप डिसाइड कर लेना, जैसे मैं डे वाइज डे खेल रहा हूँ ना, जैसे आज मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, आज कॉम्बैट विलन का है, ठीक है, मेल। तो कॉम्बैट विलन में मेरे पास जितने भी करेक्टर हैं, मैं जिनको मैंने सिटी भी दिया हुआ है उनसे मैं करूँगा गेम प्ले, और गेम प्ले करने के बाद मैं दिखाऊंगा आपको इतना स्कोर है, ठीक है। और स्कोर होने के बाद आप डिसाइड कर लेना कि एबीएल पे अगर आपके पास हल्क नहीं है तो आप कौन सा करेक्टर यूज़ करें, तो आप उसमें डिसाइड कर लेना, ठीक है। चलो गाइस, तो आप गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। हल्क का रोटेशन तो आपको पता ही होगा, ठीक है, इसका रोटेशन था 3 5 डिले 4, ठीक है, इसके बाद 2 1, फिर 3 5 डिले 2 1 कर दिया मैंने, T4 यूज़ कर दी मैंने, ठीक है, 1 2। अब यहाँ पे आ जाऊँ, इसके बाद टास्क मास्टर को ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया कैंसल रोर, 3 5 डिले 4, इसकी 4 में ही है जो भी है, ठीक है, 3 5 डिले अगेन, फिर T3, फिर T4, फिर 4 स्किल। तो आप ना करेक्टर को देखो, इसलिए मैंने ना ग्राफिक कम कर रखी ताकि आप पूरे करेक्टर को देखो कि ये मतलब स्किल कब यूज़ की जाती है इसकी। बहुत से बंदे क्या करते हैं ना, अभी मैं तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में दिखाऊंगा, रुको एक सेकेंड, एक मिनट, पीछे वो बोल गायब हो जाएगी, नहीं तो मैं अभी दिखाऊंगा। बहुत से बंदे करेक्टर के रोटेशन देते वक्त ना क्या करते हैं, वो पूरा कैंसिल नहीं करते, वो ना हाफ में ही करेक्टर को ना वो मतलब स्किल यूज कर देते, तो उसके आधी स्किल लगती है तो पूरी स्किल नहीं लग पाती, ठीक है। 2 मिलियन चला गया, रेज से इतना फर्क चल रहा है अभी, मतलब 3 मिलियन कर देता है अब तक, रेज हटा दिया मैंने इस वजह से, 3 से तो ऊपर कर ही देता है अब तक, रेज से बहुत ओपी है हल्क वैसे, बट लेकिन मैं तो यही बोलूँगा इसको आप रीजन से यूज़ करो, रीजन से भी बहुत ओपी है, इतना फर्क नहीं आएगा आपको। इसको यूज़ कर दूँ मैं अभी, ठीक है, अब ये वाली स्किल, ठीक है, रोर कैंसल डन। पीछे दोस्त की रिक्वेस्ट आ रही है जीवीआर के लिए, बट अभी इस वीडियो को कंप्लीट कर दो, उसके बाद हम जीवीआर भी करेंगे अपने दोस्त के साथ। इस वीडियो कंप्लीट करने के बाद 3 मिलियन चला गया स्कोर, मैं 3 4 ही जाएगा शायद मेरे साथ, या 4 भी नहीं जाएगा पता नहीं, चलो देखते हैं गाइस कितना स्कोर जाएगा। बहुत फर्क पड़ गया वैसे रेज, अगर मैंने इसको हटाया है ना जो, ठीक है, अब तो चला जाएगा 4, खैर मेरे पास अब वो आ गया ना बोनस पॉइंट इंक्रीज, तो 4 3.8 मिलियन स्कोर, एंड मैंने ये स्किल यूज़ करी इसलिए अब कहाँ गया ये रहा, ठीक है, फोर पॉइंट थ्री, अरे पता है कितना फर्क पड़ गया, मैंने शायद ना 55 कुछ किया था इससे अलग से। तो अब रेज और रीजन में डिफरेंट देखो मेरे को ना रेज जब मैं यूज कर रहा था तो मेरे को फर्क नहीं पता चला था इसमें ये कि इसकी T4 स्किल नर्फ हुई है या नहीं हुई है, बट लेकिन जब मैंने रीजन दिया ना, रीजन देने के बाद मैंने GBR खेला और अपने दोस्त को कैरी वगैरह कर रहा था ना, तो मेरे दोस्त कह रहे थे कि भाई जो रीजन से जो पहले परफॉर्मेंस थी ना आपके हल्क की, वो अब परफॉर्मेंस नहीं है। और तो मैंने भी नोटिस किया कि हाँ कि उसमें कुछ ना कुछ तो बैलेंस किया है हल्क का, तो हल्क की जो T4 स्किल है ना, देखो हल्क की T4 स्किल में हुआ है जो हुआ है, ठीक है ना।
हल्क में नहीं हुआ है नर्फ वगैरह, हल्क 80 लेवल पे नहीं हुआ, हल्क 70 लेवल पे कुछ नहीं हुआ, हल्क T3 में कुछ भी नहीं हुआ, हल्क के जो T4 स्किल है ना उसको बैलेंस कर दिया गया है नेट मार्वल की तरफ से, ठीक है ना गाइस। तो जो बहुत से लोग ये वीडियो वगैरह बना रहे हैं ना कि हल्क 70 लेवल है उनका या 80 लेवल है और वो बता रहे हैं कि आपको नर्फ हो गया नर्फ हो गया, तो ये बहुत बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, आप उन चीज़ों पर ध्यान मत दो, पहले फोरम पर जाकर अच्छी तरीके से पढ़ो उसमें क्या लिखा है क्या नहीं, ठीक है ना गाइस। तो अब की वीडियो, आज की वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो कंप्लीट हो गई, अब इसके बाद मैं एक वीडियो और बना दूँ कंपेरिजन की, फिर उसके बाद हम देखते हैं लाइव का हिसाब किताब, ठीक है ना गाइस। 81 पॉइंट कुछ हो गया मेरे टोटल स्कोर, ठीक है गाइस, और मैं दिखा दूँ एक सेकेंड पूरा टोटल स्कोर मेरा, मैं रैंक तो मेरी 2 ही होगा, मैं लक्की सबसे ऊपर चल रहा होगा, हाँ तो ये मेरा स्कोर चल रहा है, ठीक है गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।